देखिए बाकी सब तो ठीक है, पर अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने हैं राजनाथ सिंह के जगह पर इस बार 2019 के चुनाव के बाद। लेकिन आम तौर पर आम लोग ये नहीं समझते कि जो होम मिनिस्टर होता है उसका काम क्या होता है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी कितनी होती है, होम मिनिस्टर किस किस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, देखभाल करते हैं, और होम मिनिस्टर का जो पद है वो कितना बड़ा पद है। तो हम आज इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में हम आपको 10 पॉइंट बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होम मिनिस्टर क्या होता है और इसके कितने काम, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितना बड़ा पद है ये। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें मंत्री पद की, जो कि होम मिनिस्टर कहलाता है, जिसे हम लोग गृह मंत्री भी कहते हैं, दरअसल ये हमारे देश का सबसे बड़ा मंत्री पद है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां, सबसे ज्यादा काम गृह मंत्री के अंडर में ही होता है। दरअसल बहुत सारी चीजें जो हमें देखने में लगता है कि ये किसी और का काम है, वो भी गृह मंत्री के कंट्रोल में होता है। अभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, जिसके अंदर में पूरे देश की पुलिसिंग करना, जो भी नए टेक्निक आ रहे हैं उसके हथियार का व्यवस्था करना, IPS की ट्रेनिंग का भी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो है गृह मंत्री का, वो है पारा मिलिट्री फोर्सेज का काम, जैसे BSF, CRPF, SSB, CISF, ITBP, इन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को डायरेक्टली होती है। मतलब ये सारे लोग जो होते हैं, SSB हो या फिर BSF हो, ये सारे जो होते हैं डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। तीसरा जो होम मिनिस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर रीजंस। मतलब जहां जहां पर बॉर्डर है वहां की सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी होता है वो होम मिनिस्टर के अंडर में होता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बॉर्डर की आर्मी की होती है, लेकिन असल में ये होम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। दोस्तों, चौथा जो इंपॉर्टेंट काम है होम मिनिस्टर का वो है NSG। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो भी कंट्रोलिंग होता है, मतलब इमरजेंसी केसेस में आतंकवादी विरोधी दल तैयार करना, ये होम मिनिस्टर का काम होता है। नंबर पांच में आता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट। दरअसल हमारे देश में अभी जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांता दास। तो गवर्नर चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर ही समझ लीजिए कि गवर्नर चुनते हैं। उसके बाद छठे नंबर का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है CBI की देखभाल। अगर हम सातवें नंबर के काम की बात करें तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UTS। दरअसल बहुत सारे ऑफिसर्स का जो पोस्ट यहाँ से वहां ट्रांसफर किया जाता है या डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर में ट्रांसफर किया जाता है। छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े IPS ऑफिसर या फिर इस तरह के बड़े बड़े जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका जो ट्रांसफर होता है वो होम मिनिस्टर के अंडर में होता है। आठवें नंबर का जो काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये इंटेलिजेंस को मेंटेन करते हैं, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ATS हो, चाहे वो रॉ हो, इंडिया का कोई भी इंटेलिजेंस जो होता है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंदर में काम करते हैं। नंबर नौ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है J&K, मतलब जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा। जम्मू और कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां के फैसले कानून के साथ साथ वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिम्मेदारी, वहां पे पुलिस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, ये सारा काम होम मिनिस्टर का होता है। नंबर 10 पर आता है नॉर्थ ईस्ट की देखभाल। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट की देखभाल भी होम मिनिस्टर डायरेक्ट करते हैं। वहां के पुलिसिंग की जिम्मेदारी से लेकर के वहां पर होने वाले बहुत सारे डेवलपमेंट की जिम्मेदारी डायरेक्टली होम मिनिस्टर की होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सारे चीजों को सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होम मिनिस्टर होते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अमित शाह जो अभी हमारे होम मिनिस्टर बने हैं उनकी इतनी सारी जिम्मेदारी है, और ये तो मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट काम गिना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं यहाँ पर कवर नहीं किया हूँ, वो सारी चीजें होती है जो होम मिनिस्टर को देखनी पड़ती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर को भारत का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Bye.